हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की जर्नी के बारे में बताने वाला हूं कि कहां से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में और कहां जाकर के आपकी फर्स्ट ईयर की जर्नी कम्प्लीट होती है। काफी यूट्यूबर्स अपने अपने तरीके से अपने व्यूज को रखते हैं, बट मैं ये मान के चलता हूं कि एक साल की पूरी जर्नी को एक 5 से 7 मिनट की वीडियो में समेटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। बट फिर भी कोशिश करेंगे कि उन सभी पहलुओं को आपके सामने में रखेंगे जो एक बेसिक पाथ है, एक बेसिक चीजें हैं जिसके थ्रू आपको एमबीबीएस की पूरी फर्स्ट ईयर की लाइफ से गुजरना पड़ेगा या एमबीबीएस में वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है, आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आपकी काउंसलिंग होती है, आपको जो भी मेडिकल कॉलेज मिलता है उस मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, और उस मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लोग एप्रन और स्टेथोस्कोप के साथ में एक फोटो जरूर क्लिक करवाते हैं। सभी लोग ऐसा करते हैं, मैंने भी किया था और काफी यूट्यूबर्स ऐसे दिखाते भी हैं, बट ये सारी चीजें सेकेंडरी है। अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलने के बाद में आप कॉलेज में आते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस और आपकी बहुत मेहनत होती है एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में आने के लिए। तो यहां से आपकी जर्नी होती है, आप कॉलेज आते हैं और सबसे पहला दिन और फर्स्ट डे आप लोग तैयार होकर के एप्रन लगा करके और अपने बुक्स को लेकर के सीधे सीधे कॉलेज पहुंचते हैं, और कॉलेज पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है उसमें आप लोग सारे लोग लगभग चूंकि बहुत कुछ लोग सहमे होते हैं, कुछ लोग डरे होते हैं, पहली बार कॉलेज आते हैं, सीनियरों से डर लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी कस्व मकस में एक खुशी भी होती है कि आज से आपकी पहला दिन एक मेडिकल कॉलेज और एक डॉक्टर की लाइफ की जर्नी स्टार्ट होने जा रही होती है। तो आप लोग तैयार होकर के कॉलेज आते हैं, सभी लोग डिसिप्लिन होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं और आकर के कॉलेज पहुंचते हैं। और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि पहला दिन सारा लोग जो है एक दूसरे के पीछे एक लाइन में चलते हुए कॉलेज पहुंचते हैं। तो कॉलेज पहुंचते हैं और आपको पता है पहला दिन आप लोगों का कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो सकता है। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी में आपको एनाटॉमी की डीएच डाइसेक्शन हॉल में भी जाना होता है, जहां पे आपकी प्रैक्टिकल्स होती है या फिर जहां पे आप डाइसेक्शन करते हैं, कैडेवर की स्टडी करते हैं, और उस कैडेवर की स्टडी करने के लिए आपके पास में एक डाइसेक्शन किट होना जरूरी होता है। तो आप लोग एक डाइसेक्शन किट जरूर खरीदते हैं जिसमें आपके स्कैल्पल और ये सारी चीजें जो होती है जरूरी होती है, जो आपको डाइसेक्शन करने के लिए जरूरत पड़ती है, और यहां से आप अपनी जो है एनाटॉमी की प्रैक्टिकल्स को सीखते हैं। डीएच हॉल में जाकर के बैठते हैं, 15 से 20 लोगों की ग्रुप होती है और हर ग्रुप को एक टीचर असाइन होता है और उन टीचर्स का रोटेशन होता रहता है। आप लोग कैडेवर की स्टडी करते हैं, साथ में एनाटॉमी पढ़ते हैं, और आप लोग देख भी सकते हैं कि ये मैंने एनाटॉमी के डीएच का एक व्यू भी आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद में आपकी फिजियोलॉजी में आप जो है प्रैक्टिकल के साथ साथ अपनी थ्योरी भी कंप्लीट करते हैं, और फिजियोलॉजी में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सबसे पहला टेस्ट ज्यादातर स्टूडेंट जो है ब्लड ग्रुपिंग की टेस्टिंग करना सीखते हैं, नेल प्रिक जो है, आप जो है फिंगर टिप को प्रिक करके ब्लड का सैंपल लेते हैं और वहां से आप लोग ब्लड ग्रुपिंग की टेस्टिंग करते हैं। काफी अच्छा लगता है, एक डॉक्टर वाली फीलिंग आती है कि आपने पहली बार कुछ अपने से किया है। फिजियोलॉजी में और भी सारी चीजें आप करने को सीखते हैं, टीएलसी डीएलसी निकालना, और उसके बाद में आप जो है ब्लड प्रेशर मेजर करना, ये सारी चीजें आप लोग फिजियोलॉजी लैब में सीखते हैं।
के बाद में आपकी जो है बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस लगती है। बायोकेमिस्ट्री में आप लोग प्रैक्टिकल्स भी करते हैं और थ्योरी क्लासेस भी होती है। तो ओवरऑल सारी चीजों में ये होता है कि आप हर दिन 7 से 8 घंटा अपने कॉलेज में बिताते हैं, उसके बाद में रूम आते हैं और जो है उसके बाद में फिर अपने हॉस्टल में अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर अगले दिन फिर आपको कॉलेज पहुंचना होता है। और मिनिमम 75% अटेंडेंस जरूरी होती है हर कॉलेज में और आपको फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजें पूरी करनी होती है। साथ ही साथ आपको सीनियरों से कैसा बर्ताव करना है और आपके टीचरों से कैसा बर्ताव करना है उसके लिए आपके सीनियर्स भी हेल्प करते हैं और कुछ चीजें वो भी सिखाते हैं। तो बेसिकली ये लाइफ आपकी स्टार्ट जब होगी जब आप कॉलेज में आएंगे और आने के बाद में ये सारा चीज आप एक साल के अंदर में 3 सब्जेक्ट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी ये सारा पढ़ेंगे और अलग अलग फेजेस में इनकी प्रैक्टिकल्स करेंगे और फिर आपकी लाइफ ऐसे ही कंप्लीट होती है। एक छोटे से वीडियो में बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है बट मैंने कोशिश की है कि आप जो है कुछ विजुअलाइजेशन मैंने ऐड किया है वो सारा चीज आप लोग देखें और कॉलेज को लेने के लिए और बहुत ज्यादा उत्सुक हुए और आप लोग एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और एक अच्छा डॉक्टर बने। Thank you.